मिट्टी होके ख़त्म हो जाओगे तो इसका मतलब फिर अच्छा करो बुरा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी धांधली अल्लाह के निज़ाम में नहीं हो सकती। इस पर कई हफ्तों बयान चला है। इंसान ये समझता है कि आज मैं अच्छी हालत में हूँ तो कल भी अच्छी हालत में होऊंगा, ये बड़ी गलत फहमी है। इसका अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में जवाब दिया कि क्या हमने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे। लोग ऐशो इशरत में हैं, सेहत है, दौलत है, इज्जत है, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये समझते हो कि हमेशा ऐसे ही रहोगे, तो ये भी गलत फहमी है। हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग कैसे कैसे मसाइल में घिरे होते हैं, तो हम उनको देख के ये समझते हैं कि ये तो इन मसाइल में आ गया, मैं नहीं आ सकता। इसलिए याद रखो, आफत ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, मसाइल ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, इससे इबरत होती है। इंसान के दिल में खौफ पैदा होता है तो ये खौफ उसको अमल की तरफ लेकर आता है, क्योंकि इंसानी फितरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर अल्लाह वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, कि अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा कुशादा कर दे और ये कायनात टेंशन फ्री हो जाए, कोई गमी ना हो इसमें, टेंशनें क्या हो जाएं ख़त्म, सबके पास पैसा, सबके पास सेहत और हर काम हटो बच्चों शुरू हो जाए, शादी टाइम पे हो गई, बेगम बिल्कुल सही, मियाँ को शोहर बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही आदमी मिल गया, सास एकदम एक्यूरेट बिल्कुल, कभी बहू को तंग उसने नहीं किया, यही होगा ना जुमने, सब कुछ अगर सही हो जाए, रिस्क की कुशादगी तो एक, यानी अल्लाह ने उसको तो एक बतौर अलामत के बयान किया ना कि रिस्क की कुशादा होने से लोग समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। तो आयत का मतलब यह है कि अगर इंसानों के सारे मसाइल हल हो जाए, सब खुशहाल जिंदगी शुरू कर दें, सबके सर पे बाल हों, सबकी सेहत अच्छी हो और खाने को सबको सेहतमंद ग़िज़ा मिलती हो, और वही अभी जो मसाइल चलते हैं, बीवी भी ठीक हो, बीवी के लिए मियाँ भी ठीक, सास भी बहुत अच्छी हो, वो चाहती है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें, ससुर साहब भी बहुत नेक नंदे एक नंबर की हों, बेहतरीन, वो जब अपनी भाभी से मिलती हों अपने भाई की तारीफ करती हों कि हमारा भाई बहुत अच्छा, और जब भाई से मिलती हों कि किसकी तारीफ करती हों, भाभी बहुत अच्छी, इस भाभी को छेड़ना नहीं, इसको तंग नहीं करना, ये चांद सी भाभी है, समझ में आ रही। अगर ये सारा सेटिंग हो जाए ना, है नहीं ना मसला सारे यही, तो सारे मसाइल ही यही है ना, कंवारों की शादी हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है ना, बिल जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उतना बिल आए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, FIR कटवानी है, आप गए चोर का नाम बताओ, FIR कट गया है दो मिनट में, अगले दिन चोर अदालत में, आपने केस किया, आपको आपके पैसे मिल गए, चोर को सजा हुई, सजा के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सजा के बाद। तो ये अगर निज़ाम हो जाए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सेटअप हो जाए, हर चीज़ क्या हो हटो बच्चों। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, पूरे पूरे जो जो कहा था बिल्कुल एज इट इज़ है भाई, वज़ीर आज़म बनने के बाद सब काम हो रहे हैं भाई। अपोजिशन ये कहे कि चलो 5 साल इसको तमीज़ से हुकूमत करने दो, इसका हक है, अगले 5 साल हम ट्राई कर लेंगे, एक दूसरे की टांगे न खींचें, ये तो कोई बनता नहीं है, बनता है तो वो टांगे अपनी टांगे संभालने में उसको ज्यादा टाइम लगता है, हमारे यहाँ कोई वजीर आजम बनता है ना कोई भी, तो हुकूमत चलाने के बजाय उसको अपनी कुर्सी बचाने में टाइम, अब आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को कहीं बिठाओ कुर्सी पे और उसे बोलो आपके जिम्मे ये प्रोजेक्ट है मुकम्मल करना है, वो बेचारा सुबह ऑफिस पे कुर्सी पे आके बैठा तो एक बंदा आके कुर्सी खींच रहा है, तो वो कुर्सी को पे टिकने में ज्यादा सलाहियतें खर्च करेगा
कौम की खिदमत नहीं करेगा वो, और अगर पहले से ही ना करना चाह रहा हो तो और बहाना मिल जाएगा उसको। तो इस कायनात में, इस जमीन में कुछ सही हो रहा है, कुछ उल्टा, उल्टा पुल्टा, कुछ सही कोई, आप किसी से कोई बात समझा रहे हैं वो समझ जाए, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो बात समझ जाए। ऐसा होता है, समझाते हो अगला समझ ही नहीं रहा होता, आदमी कहते इसको देखो पागल हो गया। तो अगर इस दुनिया में सब कुछ सही सही बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट होना शुरू हो जाए, अदालतों में इंसाफ, पुलिस को पता हो कि किसको गिरफ्तार करना है, ठीक है ना, पुलिस को पता चल जाए कि यहां डकैती होने वाली है, हमने यहां पहले से पहुंच जाना है, और पुलिस देख के आपको अंदाजा हो जाए कि ये जगह महफूज है, यहां पर हम बैठ के चाय पी सकते हैं, यहां कुछ नहीं होगा, वो उल्टा रहा है, पुलिस की मोबाइल खड़ी है, बेटा निकलो यहां से, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है यहां, डॉक्टर आपको वो दवा लिख के दे, अगर एक ही मेडिसिन है, कंपनियां दो मुख्तलिफ हैं, तो वो आपकी खैरख्वाही में आपको वो कंपनी की दवा रिकमेंड करे जो सस्ती है आपके लिए, हालांकि रिजल्ट उसका वही है जो महंगी दवा का है, लेकिन वो सस्ती इसलिए लिख के दे रहा है कि भाई आपके पैसा बचेगा, आपका खर्चा बचेगा, जहां टीका लगाना है वहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो जब दवा लिख के देता है तो मेडिकल स्टोर वाले की समझ में उसकी स्पेलिंग आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े बनाए, मैं दवा लेकर आया, वो गलत दवा दे दी मेडिकल वाले ने, एक तो हमने खा ली, अगली दफा जब देखा तो मुझे अंदाजा हुआ यार ये कुछ अजीब सी लग रही है, ये कुछ क्या दे दिया, क्या, तो उसने कहा सॉरी गलत दवा दे दी मैंने, तो वो डॉक्टर की स्पेलिंग की, कीड़े मकोड़ों की वजह से, डॉक्टर ने लाल बेग बनाया था वो समझा कि कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वो खटमल समझा या कुछ और समझा। तो हर चीज अगर तमीज से हो, ना जाली हकीम हो, और डॉक्टर भी बिल्कुल फिट फाट, हुक्मरान भी, फौज भी अपनी जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रही हो, उसमें भी करप्शन बिल्कुल भी ना हो, एकदम हटो बच्चों होगा तो पता है क्या होगा, निजाम आलम तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते होगा ये लबगौ फिल अर्ज, मुझे सब भूल जाएंगे मुझे भूल जाएंगे, मेरा इंकार भी होगा, मेरे पैगंबरों का इंकार भी होगा, मेरी किताबों का भी इंकार होगा, नमाज रोजा खत्म, हज खत्म, अल्लाह से दुआएं मांगना खत्म, लबगौ फिल अर्ज, जमीन में सब अल्लाह के बागी बन जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते, इसलिए आप चाहते हो कि टेंशन ही खत्म हो जाए, अल्लाह कहते हैं ये तो नहीं खत्म होगी, मुझे तो कोई मानेगा ही नहीं, फिर टेंशन में ही तो अल्लाह याद आता है, पेट भरमों को अल्लाह थोड़ी याद आता है। तो लबगौ फिल अर्ज, जमीन में सब क्या करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी। ये बात पता नहीं किस बात पे शुरू की थी, यहां कहां से आ गई। हां तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम ये समझते हो कि आज अच्छे हो तो कल भी अच्छे रहोगे, ये जरूरी नहीं है। तो मसाइब हैं, मुसीबतें हैं, कुछ भी हो सकता है मुस्तकबिल में, अल्लाह बचाए फालिज भी हो सकता है, किडनी फेल हो गया, मालदार थे गरीब हो गए, घर में मोहब्बत थी लड़ाइयां शुरू हो गई, बेरोजगार हो गए, सेहत तबाह हो गई, जानी दुश्मनियां पैदा हो गई, कुछ भी हो सकता है। और इस खुशफहमी में मत रहो कि आज अच्छी हालत में हो तो कल भी लाजमी अच्छी हालत में रहोगे, क्योंकि अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि हम तुम्हारे साथ अच्छा ही होता रहेगा, या हमने कस्में उठाई हुई हैं तुमसे, कस्में ली हुई हैं क्यामत तक के लिए कि तुम अच्छे ही रहोगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा बोलो भाई नहीं है। तो अच्छा ये तो बात आ गई, तो एक छोटी सी बात ये भी कहता चलूं कि देखो इससे पता चलता है कि गमों के साथ समझौता कर लेने की जरूरत है। ये जो हम ये चाहते हैं ना मेरी हर टेंशन दूर हो लाजमी, ये बात ही गलत है। अगर कोई आपको सुकून का ये नुस्खा बताए
कि आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएं और ठीक करने में लगे रहें ताकि आपको सुकून मिले। ठीक करते करते ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मसाइल ठीक नहीं होंगे, इन्हीं मसलों में ही खुश रहना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मसलों में खुश रहने के शरीयत ने बहुत से तरीके बताए हैं। एक तरीका क्या है? अपने से कमतर को देखा जाए, अपने से कमतर। मेरे पास ख्वातीन कहती हैं मियाँ ऐसा मियाँ वैसा, मैंने कहा चर्स तो नहीं पीता मियाँ आपका? नहीं भाई चर्सी नहीं, अल्लाह का शुक्र है चर्सी नहीं है, शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहा, ठीक है ना। मियाँ क्या होते हैं आजकल बहुत से, बोलो ना, चर्सी भी होते हैं। भाई मियाँ टाइम नहीं देता वो, भाई रात को तो घर में आ जाता है ना, हाँ रात को आ जाता है, बाकी सारा दिन दोस्तों में बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे मियाँ भी हैं आवारा गर्दी में ही लगे रहते हैं, रात भी घर में बेगम को टाइम, बोलो ना, नहीं देते। तो अपने से कमतर को देखो ना, मेरे मियाँ जो है ना वो खर्चा नहीं उठाते, वो भाई बुनियादी नान नफका मिल रहा है, रोटी दोपहर का खाना रात का, वो खातून कहती है नहीं नहीं सिर्फ यही थोड़ी होता है, मुझे पता है यही नहीं होता, लेकिन बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते, बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते। फिर औरतें तरसती हैं कि चलो आधा तुम कर लेना आधा राशन हम डाल लेंगे, शादी तो कर लो, ठीक है ना, कोई अच्छा मियाँ तो मिल जाए, ये कम से कम पूरा खर्चा तो उठा रहा है, अगरचे वो पूरा इतना नहीं दे रहा जितना आम लोग देते हैं, गुजारा तो हो रहा है ना, मियाँ का नाम तो लगा हुआ है। सास के मसले बहुत घरों में, सास ये करती है सास वो करती है, तो मैं बताता हूं सासें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो नबी, अच्छा मर्द के बारे में भी ऐसे ही है, भाई बेगम ये नहीं करती वो नहीं करती ये नहीं करती, अबे फलां की बेगम को जाके देख फलां को जाके देख, तू शुक्र अदा कर। एक साहब ने, बड़े दीनदार थे, वो कह रहे हैं यार मेरी बेगम जो है ना वो सही पर्दा नहीं करती है, मेरी बेगम जो है ये करती है वो करती है, दीनदार नहीं है। तो मैंने कहा यार नमाज पढ़ती है, उसने कहा, मैंने कहा मोटा मोटा पर्दा करती है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही मॉडर्न और लड़की बन के स्कर्ट पहन के जा रही हो? कह रहे नहीं नहीं ऐसे। मैंने कहा शुक्र करो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद दीनदार हैं, हाजी नमाजी, बेगम साहिबा स्लीवलेस कपड़े पहन के बाजारों में घूमती हैं, तो शुक्र अदा करो, चलो वाजिबी पर्दा तो है ना, कम से कम ज्यादा के चक्कर में बस गुजारा चलाओ, क्योंकि मसाइल है ना, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करना पड़ता है, अलहदगी के बाद बड़ी मुसीबतें हैं, वो ज्यादा टेंशन है वो, क्योंकि याद रखो शैतान जो है ना ये बहुत बड़ी फिल्म है, आपको बता दूं मैं, शैतान इतनी बड़ी फिल्म है ना कि मैंने दुनिया में शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी। ये पता है क्या करता है कमबख्त, जब आप साथ रहोगे ना तो एक दूसरे की नेगेटिव चीजें लेकर आएगा सामने, जिस दिन आप में अलहदगी हुई आप एक दूसरे की पॉजिटिव चीजें याद दिलाता है। फिर ये जिन मियाँ बीवी में भी तलाकें हुई है ना, तो जब साथ रह रहे थे तो शोहर भी बीवी की नेगेटिव चीजों को, औरत भी शोहर की नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे होते हैं, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, वो कहती है ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता। जब तलाक होती है ना शैतान अलहदगी, फिर आदमी कहता है यार इसमें तो ये भी करती थी, ये तो ये भी करती थी ये तो ये भी, कहीं और शादी हो जाएगी ना, फिर आपको यार पुरानी वाली कम अज कम ऐसी कमबख्त तो नहीं थी, उसमें इतना तो शऊर था यार, ठीक है तमीज से बात नहीं करती थी लेकिन यार इतना तो था कि अगर मैं चाय का बोलता तो चाय तो बना के दे देती थी, ये शैतान है। हालांकि अब शरीयत कह रही है पुरानी वाली को छोड़ो, अब नई की खूबियां देखो, लेकिन जब नई होगी ना तो पुरानी की खूबियां और नई की खामियां, और वो जब कहीं और शादी करेगी तो नए वाले की खामियां पुराने वाले की खूबियां, और बता भी रही होती हैं कि आपसे शादी हो गई, आप जो है ना चलो जैसा भी था मेरा पुराना मियाँ, कम से कम जब भी उसको मैंने बोला खरबूजे का उसने खरबूजा ला के मुझे दिया है, और अच्छे सब्जी अच्छी लाते थे वो, इनको तो टमाटर खरीदने नहीं आते। ये शैतान इतनी बड़ी चीज है कि आपको क्या बताऊं, हर चीज में ये क्या लेके जाता है नेगेटिव। तो आपने शैतान के उल्टा चलना शुरू कर दो तो हर चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तबलीग वाले क्या खानदानी मिसाल देते हैं, ये गोरों के पास ये मोटिवेशन की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। देखो तबलीगी जमात में कोई इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कि कोई बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप करवाई जाती हो, हैं जिसके जिसमें जनाब कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने यूरोप से डिग्रियां ली हों लोगों को गाइड करने की, और वो जनाब आके बड़ी खानदानी किस्म के होटल बुक करा के बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल में लोगों को समझा रहा हो और उसके तजर्बे हों,
ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मोटिवेशन ऐसी खानदानी मिलती है कि एक आदमी साल की जमात में अमीर बनके मैनेजर बनके जाता है बगैर तनख्वाह के, एक साल मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ डिजाइन के, मुख्तलिफ उम्र के लोगों को मैनेज करके उनमें लड़ाई ना होने देना, और पूरे साल के बाद वो वापस तमीज से घर आ जाते हैं। चार आदमियों को आप जरा 3 दिन के लिए बिठा दो, फड्डा ना हो तो मेरा नाम बदल देना, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, खाने पे अलग फड्डा होगा उनका, आज ये पकेगा वो कहेगा ये नहीं पकेगा, अब तू ऑर्डर ही चला, होता है लाजमी होगा। ये तो इसलिए नहीं होता कि जब फड्डे का टाइम आता है तो हम जुदा हो जाते हैं ना, बैठे गटर के ढक्कन पे दो चार गपशप लगाई बात की, फड्डा होने से पहले ही क्या हो जाते हैं अलग। 3-4 दिन किसी के साथ रहो, एक हदफ हो, तो आप देखो छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाएंगे आपके, छोटी छोटी बातों, खाने पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। बहुत देखे हमने, एक साल की जमात होगी, पैदल जमात होगी, गर्मियां होंगी, गांव देहातों में लाखों पति, अमेरिका से आया हुआ आदमी बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में टूटे फूटी मस्जिद में क्याम किया हुआ होगा, उसने लोटे से इस्तिंजा कर रहा होगा, वो टिश्यू से फिर भी बेहतर है भारत, लोटे से क्या कर रहा होगा, इस्तिंजा कर रहा होगा। तो ये मोटिवेशन कहां से मिलती है उनको भाई,